हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि री रजिस्ट्रेशन किन्हें कराने हैं और किन को नहीं कराने हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू में री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है, तो आज हम बताएंगे आपको कि किन किन स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और किन को नहीं है। तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो री रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, किन को करवाना है किन को नहीं करवाना है वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है, किन को करना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि जुलाई 2019 के सेशन में एडमिशन करवाए हैं उनके लिए ये ज़रूरी है री रजिस्ट्रेशन करवाना, या तो फिर जो जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट करके अभी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले, जैसे BAG हो गया, BCOM जी, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी री रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 में एडमिशन कराया है, वो भी जिनका सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है, जो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई किया है जनवरी 2020 के सेशन में, वो लोग को भी री रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तब बात करते हैं कि किन को नहीं करवाना है री रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जनवरी 2020 में एडमिशन करवाए हैं अपना, अदर देन सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि जिसका 1 ईयर कोर्स है, 2 ईयर कोर्स है, वो लोग को अभी एडमिशन करवाए हैं जो लोग, वो लोग को अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। वो लोग का री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अगले साल जनवरी में आएगा। ओके, जैसे BCOM GM COM या जितने भी कोर्सेज है जो जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का है, वो लोग को अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। और अगर आपको री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किन्हें कराना है और किन्हें नहीं कराना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।